हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 1 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ के। वो सब कुछ डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं आपको हर एक शिफ्ट के एनालिसिस की वीडियो मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग करेंगे, फिर मैथ, फिर जीके और फिर और सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं टॉपिक बता देता हूँ आपको किस टॉपिक से कितने पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल फोन पे बात करने के बाद में ही ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो एक एक क्वेश्चन जितना भी है वो सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 5 से 6 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। इसलोगिज्म के भी आपके 2 क्वेश्चन थे, एनालॉगी से भी आपके 2 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग से आपके ये नहीं पता कितने क्वेश्चन थे, बट क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन से आपके 2 क्वेश्चन थे। फिर अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन से भी एक क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा। और एक आपका देखिए क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं था, वाटर इमेज का एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है। ओड वन आउट से आपका, हाँ ओड वन आउट से 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है, बट क्वेश्चन पूछे गए थे ये नहीं पता एग्जैक्ट कितने थे। वेन डायग्राम से आज काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-3 मुझे मिल भी गए हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए वाटर इमेज में जो थी आपका पूछा गया था क्वेश्चन, वो कुछ इस तरीके का था, इसकी वाटर इमेज बताइए। तो बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, हर एक बच्चे इसको कर लेगा। मान लीजिए यहाँ पे देखिए आपका वाटर इमेज है, तो वाटर इमेज में जो चीज़ें, मान लीजिए ये मिरर रखा है, ठीक है, तो जो चीज़ें मिरर के पास में वो पास में रहेगी, और जो दूर में है दूर में रहेगी। यानी कि ये आपका जो पॉइंट है ये दूर है, तो ये भी आपका इधर भी दूरी रहेगा। तो कुछ इस तरीके की आपकी वाटर इमेज पूछी गई थी, तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते थे। देखिए दोस्तों, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल समझिए सेम से पूछे गए थे। एक तो था जानवर हाथी घोड़े में आपको वेन डायग्राम बताना था। तो देखिए हाथी और घोड़ा दोनों ही जानवर हो जाएंगे, तो इस टाइप का आपका एक वेन डायग्राम बन जाना था, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे दे रखे होंगे आपको, कुछ तो इस तरीके से दे रखे होंगे, कुछ तीनों अलग दे रखे होंगे, तो आपको ये वाला राइट चूज करना था, ठीक है। एक और बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन था, बस उसमें आपका जानवर गेंडा और जेब्रा कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका सेम डायग्राम बनना था। अब ये मेरी समझ में नहीं आता, कभी कभी तो ये इतनी ईजी से क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लेते हैं। और अगर आपका लास्ट वाला जो सर 29 सितंबर का क्वेश्चन पेपर था, थर्ड शिफ्ट का, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन पेपर पूछा गया था वो, तो यहाँ पे देखिए बहुत आसान आसान से कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक था आपका ये सीरीज का क्वेश्चन कि 4, 17, 30 और 43 में आपका नेक्स्ट बताना था, तो सभी में +13 चल रहा है, ठीक है। +13 करेंगे और नेक्स्ट +13 करेंगे, तो 56 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है। एक देखिए बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन, और मतलब यहाँ पे इसमें कुछ गलती कर सकते हैं बच्चे। यहाँ पे था आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाला ही क्वेश्चन कि 10वीं में कितने प्रतिशत पास हुए। बिल्कुल यही लाइन लिखी हुई थी, बच्चे ने बताया कि यही लाइन थी कि 10वीं में कितने प्रतिशत पास हुए। बस ये दे रखा था, नीचे आपके कंक्लूजन दे रखे थे कि 80% पास हुए, और नीचे था लड़के लड़कियां समान पास हुए। तो देखिए अगर 10वीं में कितने प्रतिशत पास हुए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका देखिए आंसर हम ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बोला जा सकता कि मतलब संभावना के साथ में बोला जा सकता था कि 80% पास हुए। यहाँ पे 100% तो हम नहीं बोल सकते ना कि 80% पास हुए या लड़के लड़कियाँ समान पास हुए, तो इन चीज़ों को हमें हटा देना है, दोनों के दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। 10वीं में कितने प्रतिशत पास हुए इस चीज़ का कन्फर्मेशन नहीं है, तो इसमें हम ये भी अजम्पशन नहीं लगा सकते कि 80, 20, 30, ठीक है। यहाँ पे मतलब आप ये लगा सकते थे कि संभावना है कि 80% पास हुए होंगे, तो तब ये आपका राइट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि संभावना के साथ में बहुत सारे पॉइंट्स आपके राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका नेपाल में शांति बनाने के लिए फोर्स को लगाया जाना चाहिए, एक ये था, तो इसमें बोला गया नेपाल छोटा देश है, तो फोर्स लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि नेपाल छोटा देश है या बड़ा देश है, तो ये तो हट जाएगा, सॉरी। फिर नेक्स्ट आपका नेपाल में पहले आर्मी भर्ती करनी चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका कोई सा भी यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन था कि नेपाल में शांति बनाने के लिए फोर्स लगाई जानी चाहिए, तो इनमें से कोई सा भी राइट आंसर नहीं मिल रहा है, तो दोनों हट जाएंगे। बहुत सारे ऑप्शन आपके ऐसे ही डिस्कार्ड हो जाते हैं, और उसमें बच्चे राइट आंसर लगा देते हैं। एक था आपका ओड वन आउट का, तो ओड वन आउट में आपका देखें यहाँ पे क्या था कि एक बॉक्स था और उसके सामने आपके 4+ के साइन थे, फिर एक बॉक्स था 3+ के साइन थे, फिर एक बॉक्स था आपके 2+ के साइन थे, फिर नेक्स्ट आपका 5 जो साइन थे +++ के और एक बॉक्स के साथ में। तो यहाँ पे साफ साफ नज़र में आ रहा है कि ये अलग हो जाएगा आपके, भिन्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिक्वेंस चल रही है, ठीक है। क्योंकि अगर सिक्वेंस ना होती तो कुछ और क्वेश्चन बन जाता है, बट अभी सिक्वेंस चल रही थी 4, 3, 2, तो ये आपका अलग हो जाएगा ना। यहाँ पे आना चाहिए था एक बॉक्स आपका और एक प्लस, और यहाँ पे आ गया 5, तो यही अलग हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई।
तो इस टाइप के क्वेश्चन से देखिए मैथ की अगर बात की जाए तो आपका टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था, पाइप एंड सिस्टम से तीन क्वेश्चन थे। मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे करा रखे हैं मैंने। ट्रेन का भी एक क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से एक से दो क्वेश्चन बताया जा रहा है। एज का एक क्वेश्चन था, एसआई के दो क्वेश्चन थे, एसआई का एक क्वेश्चन मुझे मिल भी गया है। और यहाँ पे परसेंटेज से भी एक क्वेश्चन था, एचसीएफ एलसीएम से बताया जा रहा है कोई क्वेश्चन नहीं था, स्क्वायर रूट से भी कोई क्वेश्चन नहीं था, बोर्ड मास से भी एक से दो क्वेश्चन बताया जा रहा है। अगर इनसे अलग भी चैप्टर से आपके क्वेश्चन आए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये था सॉरी कि ए किसी काम को 42 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 56 दिन में कर लेता है, दोनों साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे आपको इन दोनों का एलसीएम लेना था, एलसीएम कितना आ जाएगा 168, तो ये आपका टोटल यूनिट ऑफ वर्क आ जाएगा। टोटल यूनिट वर्क को ये 42 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करता होगा, 4 यूनिट वर्क। और ये 168 यूनिट जो टोटल यूनिट वर्क को 56 दिन में करता है तो 168 को डिवाइड करेंगे 56 से, तो बी करेगा एक दिन में 3 यूनिट वर्क। दोनों मिलकर 7 यूनिट वर्क कर लेंगे एक दिन में, तो 168 को 7 से डिवाइड करेंगे 24 डेज आपका राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल था, काफी सिंपल था और सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये कोई भी मैं अपनी तरफ से ऐड नहीं करके लेके आया हूं। एक आपका था कि यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी थी 56.42, रेट दे रखा था 10%, शायद रेट यहाँ पे कुछ और था बट उस बच्चे का याद नहीं था तो मैंने 10% रख लिया, ठीक है। टाइम था 2 ईयर का और एस आई आपको बताना था। तो यहाँ पे एस आई का बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला था, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। 56.4 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा मूलधन, 10 आपका रेट हो जाएगा, टाइम आपका 2 ईयर का अपॉन में 100 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका 10 कट जाएगी 2 से, ये 5 टाइम और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11.28 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है आपके, बहुत ही जितने भी मुझे मिले हैं वो तो सारे सिंपल है। एक डायरेक्ट आपका पूछा गया था परसेंटेज से कि 56 का 32% कितना होगा, तो बताइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, 17.92 यानी कि 92 हो जाएगा आपका राइट आंसर, 17.92, ठीक है। सीधा सीधा आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी था। एक था आपका एज से, एज का क्वेश्चन भी मुझे मिला है और इसमें रेशो का शायद ऊपर वाला या नीचे वाला थोड़ा गलत है, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन रेशो में नहीं है, क्वेश्चन यही था रीता अनु और प्रेजेंट एज और यहाँ पे 3 साल बाद कीजिए था, बट रेशो में थोड़ा उस बच्चे को याद नहीं था, तो एक रेशो मैंने शायद यही अपनी साइड से ऐड किया है इसमें, बट कोई बात नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन था, आपको पता चल रहा है कि रीता अनु की प्रेजेंट एज दे रखी थी यहाँ पे 5:7 में, 3 साल बाद की एज दे रखा है, एज का रेशो दे रखा है इस ये रेशो, ठीक है। तो यहाँ पे बताना था रीता की प्रेजेंट एज क्या है, तो यहाँ पे सिंपल सी मैंने आपको कई बार करा रखे क्वेश्चन, 5x और 7x प्लस 3 करेंगे दोनों में, ठीक है, तो ये इस रेशो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे 5x और प्लस 3, 7x प्लस 3 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 9/3 यानी कि इस रेशो के इक्वल हो जाएगा। डायरेक्ट इनकी कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 की इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 65x और इधर करेंगे आप 13 की कितना हो जाएगा आपका 39, ठीक है। फिर 9 की इधर करेंगे तो 63x और इधर करेंगे तो 27, यहाँ पे इन x वालों को एक साइड में लेंगे तो 2x बचेगा और इधर इनकी माइनस करेंगे तो ये आपका 12 होगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 6 आ गई है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई है, तो रीता की एज कितनी हो जाएगी, अगर x की वैल्यू 6 है तो रीता की एज आपकी 5x है, तो x की जगह यहाँ पे आप 6 रख लेंगे तो 30 आपका हो जाएगा, 56 राइट आंसर हो जाएगा 30। ऐसा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक पाइप और टंकी से भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, यहाँ पे था कि एक पाइप किसी टंकी को 56 घंटे में भर लेता है, ठीक है, बी पाइप उसे 42 घंटे में भर लेता है और सी पाइप उसे 21 घंटे में खाली कर देता है। यहाँ पे पूछा गया था टंकी कितनी देर में खाली होगी, शायद क्वेश्चन में था कि खाली होगी या भरेगी, तो खाली होगी ये मैंने पहले से लिख दिया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, इनका एलसीएम लेना था, एलसीएम इसका भी 168 आएगा, 168 को 56 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि एक घंटे में 3 यूनिट पानी भरता है ए पाइप, 68 को 42 से डिवाइड करेंगे तो बी पाइप भरता है एक घंटे में 4 यूनिट पानी, 68 को 21 से डिवाइड कर देंगे तो सी एक घंटे में 8 यूनिट पानी निकाल देता है। ये दोनों मिलकर 7 यूनिट पानी भरते हैं और ये सी अकेला आपका 8 यूनिट पानी निकालता है, इसका मतलब आपका यहाँ पे 8 यूनिट पानी हर एक घंटे में निकलना स्टार्ट हो जाएगा। पूछा है कि ये सारा का सारा पानी यानी कि टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा, तो 168 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 168 आर, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। तो टंकी कितनी देर में खाली होगी, 168 आर में राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक ये था कि ट्रेन से, यहाँ पे बोला गया था कि एक ट्रेन है 152 मीटर की और ये 39 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। सारे क्वेश्चन रियल है भाई, जैसे जैसे बता रखे ना बिल्कुल वैसे करा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको लाइक वाइक भी कर दिया करें, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और जल्द ही हम आपके लिए बहुत ही कुछ लेके आने वाले हैं, मतलब बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है जिसमें आपको पूरी की पूरी हर एक जॉब की प्रिपरेशन कराई जाएगी लाइव, वो भी
ठीक है, पूरी फैकल्टी मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ आपके लिए, और उसके लिए लाइव क्लासेस चले करेंगी। तो अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए, जो भी जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके लिए भी आप बोलेंगे, सभी हर एक जॉब की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस किस जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 39 सेकंड में पार कर जाती है, पूछा क्या है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, देखिए जब हम किसी, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करके जाती है तो क्या करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों को प्लस करते हैं, उसकी स्पीड से भाग कर देते हैं, तो आपका समय निकल के आ जाता है। बट यहाँ पे स्पीड भी दे रखी है और आपका जो है टाइम भी दे रखा है, बट लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म नहीं दे रखी है। तो हमें पता है ना कि कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों को प्लस करते हैं, ट्रेन की स्पीड से भाग करते हैं, तो आपका समय निकल के आ जाता है। समय कितना है, 39, ये आपको ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ दी हो ना कि एक, मतलब इन चार चीज़ों में से दो ये और तीसरी और एक चौथी ये, इन चारों में से अगर कोई भी एक चीज़ नहीं दे रखी तो आप निकाल सकते हैं, अगर तीन चीज़ें दे रखी हैं। कभी कभी प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी जाती है, ट्रेन की लंबाई पूछ ली जाती है, कभी ये सब कुछ दे दिया जाता है, ये भी, और आपसे ये पूछ लिया जाता है स्पीड, कभी टाइम निकालने के लिए दे दिया जाता है। तो आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप हर एक तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 152 मीटर की वो लंबी ट्रेन है, यहाँ पे लेंथ ऑफ जो प्लेटफॉर्म है वो कितना हमने एक्स मान लिया है, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 200 मीटर पर सेकंड से ये ट्रेन की चाल है, 39 सेकंड में पार कर जाती है ट्रेन प्लेटफॉर्म को। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की बराबर क्या हो जाएगा, 200 × 39, और नीचे कितना आ जाएगा, 152 मीटर, यानी कि 152, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर हमने 7800 और 152 से डिवाइड करेंगे, तो 51 मीटर यानी कि समथिंग अप्रोक्स में आएगा कुछ, तो 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 51 मीटर यानी कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आ जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अगर जीके की बात की जाए तो आपका यहाँ पे बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, जितने भी मुझे मिले हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि आपका लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो सभी को पता है सुमित्रा महाजन जी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली का नाम किस मुगल होगा, यहाँ पे शासक ने इंद्रप्रस्थ रखा था, तो आई थिंक शाहजहां, अगर कोई और है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर कुछ और है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, फूलों की घाटी का किस फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है ये, ठीक है। यहाँ पे ये होगा फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये किस नहीं होगा, ठीक है, नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो उत्तराखंड हो जाएगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपका 20 हो जाएगा। बेस्ट फिल्म अवार्ड यहाँ पे 2017 का पूछा गया था, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेसलिंग चैंपियनशिप 2017 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं पता था मुझे क्या क्वेश्चन था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, 9 अगस्त 1942 में, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। पीरियोडिक टेबल से 1 से 2 क्वेश्चन थे, न्यूटन की थ्योरी से भी 1 से 2 क्वेश्चन थे, तो दोनों ही पढ़ के जाने आपको। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगने से पहले मुख्यमंत्री कौन था, कौन थी, मतलब यहाँ पे होगा महबूबा मुफ्ती, राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब बनी थी, तो आपका 12 दिसंबर 1911 राइट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। उड़ीसा के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ HTML, तो HTML की फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ USA भी पूछा गया था, तो डोनाल्ड ट्रंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं, इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन है तो मिल जाएगी, अगर नहीं ज्वाइन है तो आपको सबसे पहले वहाँ पे सर्च करना होगा टॉपिक स्टडी टेलीग्राम पे। अगर आप टेलीग्राम यूज ही नहीं करते तो सबसे पहले तो टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ज्वाइन करने के बाद टॉपिक स्टडी सर्च करके वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बीच में बता रहा था कि अभी टॉपिक स्टडी जो फैमिली है पूरी की पूरी हमारी, इसको हम एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने चाह रहे हैं, ताकि आपको जो प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम आती है, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी गांव से, सिटी से, कहीं से भी प्रॉब्लम आप प्रिपरेशन करते हैं और प्रॉब्लम आती है आपको कहीं पे जाने से या फिर कोचिंग लगाने से, इतनी महंगी महंगी कोचिंग, तो उसको हम हटाने के लिए ही एक बहुत बड़ा लेवल मतलब क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे टॉपिक स्टडी पे, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे टीचर्स मैं हायर कर रहा हूँ, सब कुछ पूरा सेटअप बना रहे हैं, ताकि आपको 24 घंटे लाइव क्लासेस दी जाए, ठीक है, और आपको मतलब एक अच्छे तरीके से एक क्वालिटी वाली स्टडी मटेरियल दिया जाए, सभी चीज़ों की PDF आपको दी जाए, हर चीज़ से मतलब आपको अपडेट रखा जाए, ये सब कुछ सोचते हुए एक बहुत अच्छी टीम मैं बना रहा हूँ। तो इसमें आपको 5 से 6 दिन लग जाएंगे, अगर कभी कभी वीडियो ना मिले तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिएगा, समझना कि मैं कहीं ना कहीं बिजी हूँगा, ठीक है। अभी भी मैं 2 दिन से वीडियोज़ कम ही अपलोड कर रहा था, आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ बेस्ट लेके आया हूँ, हमेशा आपके लिए बेस्ट करता रहा हूँ, तो आपके लिए अब की बार भी कुछ ना कुछ सबसे बेस्ट लेके आने वाला हूँ, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों तक भी बातों को पहुँचाते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।